हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सम्राट टेक्नोलॉजीज। कल हमने बात करी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो आज का जो हमारा डे टू का सेशन है इसमें हम बात करेंगे टेबल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कैसे करते हैं। बेसिकली जो टेबल है हमारा, काफ़ी सारे पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन जैसे कि अगर हम बात करें, टेबल का यूज़ हमारा टाइम टेबल फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा मेंटेन करने के लिए हम टेबल को यूज़ करते हैं, और किसी भी तरह के प्रोफेशनल फॉर्म्स के ऊपर काम करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का गेम बोर्ड बनाने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं, MIS प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर प्राइस लिस्ट डेली रिपोर्ट या स्कीम लेटर्स के ऊपर काम करने के लिए भी हम टेबल का यूज़ करते हैं। तो डियर, लेट्स स्टार्ट। टेबल के ऊपर वर्किंग हमारी कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन है, और टेबल के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट ड्रॉ करने के लिए भी पैटर्न दिया होता है कि हमने टेबल जो है किस तरह से ड्रॉ करना है। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मेरे पास 4x1 का जो टेबल है मैंने ऐसे डिज़ाइन कर लिया। अभी अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो मैं टैब की के थ्रू इसको इंक्रीज कर सकती हूँ, तो जितने भी रोज एंड कॉलम मेरे को चाहिए होंगे उसके हिसाब से वो आगे इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे कि मैं अभी एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ पे बनाने वाली हूँ। रोल नंबर मैंने लिया, स्टूडेंट नेम मैंने ले लिया, स्टूडेंट नेम मैंने लिया, और मैंने साथ में यहाँ पे मैंने इनका ले लिया क्लास, और यहाँ पे मैंने इनका ले लिया मोबाइल। तो डियर, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर मैंने दिया 1, और फिर मैंने दिया 2, और मेरे पास आ गया 3। अभी स्टूडेंट नेम जो है दैट इज अमन, रमन और स्माइल, और साथ में क्लास आ गई मेरे पास +1 +1 +1। इसमें मोबाइल नंबर मैंने ले लिया, तो डियर ये मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस रेडी हो गया है। सबसे पहले मुझे जैसे ये टेबल है, टेबल को अगर किसी भी तरह का डिज़ाइन देना है तो टेबल पे काम करने के साथ आपके पास ऊपर 2 टैब्स जो हैं फ्री में ओपन होती हैं, लाइक जैसे एक डिज़ाइन है एक लेआउट है। डिज़ाइन आपका बेसिकली डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैं अपने टेबल के लिए जो भी डिज़ाइन मुझे कंपैटिबल है वो डिज़ाइन अपने लिए चूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने अपने टेबल के लिए ये डिज़ाइन सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर स्टाइलिंग है कि मुझे टेबल को अगर सारा बॉर्डर करना है तो मैं ऑल बॉर्डर यूज़ कर सकती हूँ, कोई बॉर्डर नहीं देना तो मैं नो बॉर्डर यूज़ कर सकती हूँ, लेफ्ट बॉर्डर मुझे यूज़ करना है, राइट बॉर्डर यूज़ करना है, टॉप बॉर्डर यूज़ करना है, जैसा भी बॉर्डर आपको अपने टेबल के लिए कंपैटिबल है वो यूज़ कर सकते। मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। अभी मैं लेआउट में जाती हूँ। अभी मुझे जो ये सेल है, सेल का मुझे हाइट इंक्रीज़ करना है, तो डियर मैं यहाँ से इसका जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती हूँ। ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ से डिक्रीज़ कर लिया और यहाँ से मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। वैसे ही आपका विड्थ है, यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये डाटा अपना सिलेक्ट किया हुआ है, डाटा को अगर मुझे अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है, सेल के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ से सेंटर चूज़ कर सकती हूँ, राइट चूज़ कर सकती हूँ, सेंटर बिल्कुल मिडल में चूज़ कर सकते हैं, सेंटर बॉटम चूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी विश है आप कैसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके डाटा की सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट हो जाती है। जैसे कि मुझे अभी इस रो में एक नई रो जो है वो ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट अबव, तो ऊपर एक रो जो थी वो ऐड होगी। अभी इस रो में मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो मुझे इसके लिए यूज़ करना है मर्ज सेल, जो तीनों कॉलम्स को कंबाइन करके एक सेल में डिवाइड कर देगा, देन वी यूज़ हैव टू बी द मर्ज सेल। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक ही रो में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसका जो साइज़ है मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया, और इसको मैंने अपर केस फॉर्मेट में दे दिया। इसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैं ऐसे इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। लेआउट में जाने के बाद अभी जैसे मुझे यहाँ पे इसका डिज़ाइन में जाने के बाद इसको पूरा ऑल बॉर्डर सेट करना है प्रॉपरली। अभी मुझे एक जो है इस तरफ अपनी एक कॉलम जो है वो ऐड करनी है, तो मैंने यूज़ किया लेफ्ट, तो यहाँ पे एक कॉलम जो था वो ऐड हो गया। अभी इस कॉलम में भी मुझे ये रोज़ नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए भी यूज़ करती हूँ मर्ज सेल। तो यहाँ पे मर्ज सेल के साथ मैंने लिख दिया
रिकॉर्ड्स मेंटेन। अभी मैंने इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिज़ाइन में जाने के बाद अगेन इसको ऑल बॉर्डर किया, ये पूरा मेरा बॉर्डर शेडिंग में कंपैटिबली इसको कवर कर लिया। अभी मुझे इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम करना है, कम कर दिया। और लेआउट में जाने के बाद जो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है इसका रिकॉर्ड मेंटेन जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है इसको मैंने एक टेक्स्ट डायरेक्शन के थ्रू इसको चेंज करना है, ठीक है। तो मेरा सारा सिलेक्ट था तो अकॉर्डिंग टू दैट इसने सारा जो है वो चेंज कर दिया। बट डोंट वरी, हम कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हैं। मैंने सिर्फ अपना इसी को सिलेक्ट करना है और इसके साथ मैंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन कुछ इस तरह से मुझे चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा कम कर दिया और ये टेबल फॉर्मेट जो है मेरा कंपैटिबल तरीके से कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया। आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मेरे पास मैंने एक कॉलम, एक जो रो है वो मैंने ऐड किया। अभी मुझे ये रो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट प्रेस कर सकती हूँ, डिलीट रो करूँगी ऑटोमेटिकली वो रो भी जो है मेरी डिलीट हो जाएगी। तो डियर इसी तरह हमारा जो इंसर्शन पार्ट है और डिलीशन पार्ट है, मतलब डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, राइट में, इस तरह से करते हैं। अभी मुझे यहाँ से टेबल को ब्रेक करना है या सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं टेबल को स्प्लिट करने वाली हूँ, यहाँ से इसको टू टेबल्स में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया, ऑटोमेटिकली जो मेरा एक टेबल था वो टू टेबल में डिवाइड हो गया, ठीक है जी। टू टेबल्स में मेरे पास ये डिवाइड हो गया। अभी मेरे पास जो ये सेल है, ये वाला सेल, मुझे इस सेल को ही सप्लिट करना है। इस सेल को सप्लिट करने का मतलब यह है कि इस सेल में मुझे टू या थ्री कॉलम चाहिए, तो मैंने यूज़ किया सप्लिट सेल। यहाँ पे मुझे कितने कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए थ्री कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड होगा, लाइक मुझे जैसा भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना थ्री कॉलम इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो आपका फॉर्मेटिंग है, आपके पास फॉर्मेट पेज किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, किस तरह का फॉर्मेट आप डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ही डियर जो है, अगर मुझे जैसे इस टेबल को सिलेक्ट करना है और इसको मुझे करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब मुझे टेबल फॉर्मेट ना आए बल्कि ये ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट में आ जाए जैसा भी मुझे प्रिंट करना है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको भी करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे जाओगे, लेआउट में जाओगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और यहाँ से ओके कर दोगे, तो जो आपके पास फॉर्मेट बना हुआ था इक्विवेलेंट स्पेस में आपके पास कुछ उस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है जी। डियर जो आपके पास टेबल है, टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। एक तो ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड है इंसर्ट ऑफ द टेबल। अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ज़्यादा चाहिए, लाइक मुझे 20 चाहिए और नंबर ऑफ रोज भी मुझे 20 ही चाहिए, तो मैं ओके करूँगी, तो मेरे पास यहाँ से उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो होंगे वो यहाँ से चूज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। और जैसे कि अभी एक मेथड इसमें और भी है डियर, टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम ड्रॉ टेबल यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल आप अपने अकॉर्डिंग पेंसिल के साथ अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग ही जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैनुअली होता है, थोड़ा टिपिकल है, बट आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अगर आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है, तो आप ड्रॉ टेबल की ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही अगर हम बात करें टेबल में, अगर आपको किसी भी तरह का लाइक कुछ कैलकुलेशन फॉर्मेट चाहिए, तो आप यूज़ करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट खोलने के बाद यहाँ पे एक एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा और उसकी एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। एक्सेल स्प्रेडशीट में बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आपने कुछ कैलकुलेशन फॉर्मेट बनाना है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया आइटम्स और मुझे साथ में उनका चाहिए प्राइस और साथ में उनकी चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। तो आइटम्स मेरे पास ए आइटम है और बी आइटम है और सी आइटम है। इसका जो प्राइस है मेरे पास ए आइटम का 10 रुपीज़ है और बी आइटम का मेरे पास 20 रुपीज़ प्राइस है और जो सी आइटम है इसका मेरे पास 22 है। इनकी क्वांटिटी जो है, मेरे पास ए आइटम की क्वांटिटी मेरे पास 5 पीसेस पड़े हुए हैं और जो बी है इसके मेरे पास
फाइव पीसेस पड़े हुए हैं और इसके भी मेरे पास थ्री पीसेस कवर हैं, तो यहाँ पे मुझे इनका टोटल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड करूँगी, इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने सिलेक्ट स्टार्ट किया, जो मेरा प्राइस है मल्टीप्लाई जितनी मेरे पास आइटम्स पड़ी हुई हैं, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास इसका वैल्यू निकल के आ गया कि एक्चुअल में जितनी आइटम्स हैं उनकी टोटल वैल्यू विद प्राइसिंग मेरे पास कितना है। यहाँ से मैं इसको अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से मुझे इतना ही चाहिए, तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए डियर, आपके पास एक ऐसा टेबल फॉर्मेट यहाँ पे बन गया है जो आपको अपनी आइटम्स के अकॉर्डिंग जितना भी आप कंपैटिबली यूज़ करना चाहते हैं विद कैलकुलेशन फॉर्मेट वर्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डाटा एक्सेल में हमें रिक्वायर्ड मेंटेन करके देना, तो वर्ड में तो पॉसिबल नहीं है, आप कैलकुलेशंस प्रॉपरली कवर कर लो, तो बेटर ये कि आप एक्सेल के फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। डियर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट को मैनुअली बनाने का भी एक मेथड है जिसको हम एक ट्रिक बोलते हैं। यहाँ से आप प्लस प्रेस करेंगे और जितनी भी आपको स्पेस चाहिए उतना आपको यहाँ से माइनस जो है वो प्रेस करना है, यहाँ पे प्लस, अगेन आपको एक माइनस प्रेस करना है और यहाँ पे प्लस, देन मुझे एंटर प्रेस कर देना। स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी प्लस हो और यहाँ पे भी आपके पास प्लस हो, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग आपने प्लस वाले सिंबल से ही करना है, और यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। टैप प्रेस करने के बाद आप इसके रोज एंड कॉलम जो भी हैं वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका इंसर्ट में हमारे पास टेबल है, टेबल को कवर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्यूब टेबल का भी ऑप्शन होता है। क्यूब टेबल आपके पास बेसिकली तभी आप यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई डमी फॉर्मेट आपको चाहिए, लाइक जैसे कि आपको किसी तरह का कोई कैलेंडर डिज़ाइन करना है, कोई आपको डाटा शीट आपको वैसी ही डमी फॉर्मेट में आपको चाहिए एनीथिंग, तो आप यहाँ से डमी फॉर्मेट उठा सकते हैं और उस फॉर्मेट के थ्रू भी आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं। लाइक जैसे कि क्यूब टेबल में चूज़ करने के बाद अगर मुझे चाहिए यहाँ पे कैलेंडर चाहिए तो कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मंथ आप इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो बाकी डियर यही है कि इंसर्ट में जब आप टेबल के ऊपर काम करते हैं तो आपके पास डिज़ाइन में जो ऑप्शंस हैं ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। यहाँ से आप अपना बॉर्डर और स्टाइल सेट कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, पेंटिंग कलर अगर आपको इसके अंडर कुछ भी यूज़ करना वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेआउट में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, और टेक्स्ट को अलाइनमेंट के थ्रू कैसे सेट किया जाता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे सेट किया जाता है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट आपके पास रहता है। अगर आपको टेबल फॉर्मेट वैसे नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो आप इसको प्रिंट व्यू के थ्रू भी, जैसे मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर किया और मुझे ये इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट मैं इसको यहाँ से अगर प्रिंट प्रीव्यू करके देखूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये विदाउट अलाइनमेंट विदाउट बॉर्डरिंग शेडिंग के थ्रू ये यहाँ से ऐसे शो होगा। क्लियर, इसी तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है इंसर्ट ऑफ द टेबल ये क्लोज हो रहा है। अभी जो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे पास जो डिस्कशन होगा वर्ड के ऊपर, अगर हम पिक्चर फॉर्मेट सेट करते हैं, पिक्चर के ऊपर हमें कोई टेक्स्ट सेट करना है, पिक्चर के बैक पे हमें कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करना है, किसी भी शेप के अंदर काम कैसे करते हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशंस के ऊपर कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों का सेशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, थैंक यू सो मच आज का सेशन सुनने के लिए। अगर आपको और ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए तो यूट्यूब पर आप सम्राट टेक्नोलॉजीज़ का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा वो आपकी नोटिफिकेशन में आपको इन हो जाएगा। देन थैंक यू सो मच।